तो गाइस हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में हमला कर चुका है एक मॉन्स्टर, जिस मॉन्स्टर का नाम है द वेनम। द वेनम द भाई कितना खतरनाक है, कितना भयानक लग रहा है, आप लोग खुद देखो। लेकिन हमारे इस गेम में हमला किया तो किया क्यों, इसने मेरे को कैसा मतलब क्यों कर रहा है मैं नहीं जानता। इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो देखो गाइस आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे मतलब अपना बॉडी सोडी बढ़ाने के लिए हम अपना जिम में आ चुके हैं। जिम में आते के साथ मैं अपना मतलब आज हम बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे बाहर से मेरा दोस्त आ रहा है जो कालू है। बाहर से मेरा दोस्त आ रहा है कालू है। कालू ने बोला था कि मैं एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, उसके बाद फ़ोन करेंगे, उसके बाद तुम अपना हेलीकॉप्टर से आना लेने के लिए। तो मेरा खुद का हेलीकॉप्टर है, मतलब कालू ने बोला है, तो मेरे को तो जाना पड़ेगा एयरपोर्ट लाने के लिए। तो फिर भी अभी जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कुछ चीट कोड बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को चीट कोड ऐसे ऐसे चीट कोड बताए हैं जिसे मेरे को ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी मेरे को चीट कोड बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे उसे बताने के, और भी मतलब बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग कमेंट करके चीट कोड मेरे को बता सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने एक हेलीकॉप्टर है और मेरे सामने एक कार भी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं स्नान करते के साथ मैं अपना जाएंगे, उसके बाद कपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद मैं आपको चीट कोड बताएंगे जो आप लोगों ने मेरे को कमेंट में करे थे, वही चीट कोड बताएंगे। तो फटाफट से चलते हैं, सबसे पहले कपड़ा चेंज करेंगे, कपड़ा चेंज करने के बाद बाइक से जाएंगे आपको चीट कोड बताने के लिए। तो फटाफट से गाइस यहाँ पे पहले तो मैं अपना कपड़ा चेंज कर लेता हूँ। कपड़ा चेंज करने के साथ मैं अपना बाइक से जाएंगे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि बाहर जाके उसके बाद हम आपको कुछ ऐसा चीट कोड बताने वाले हैं जो आप लोगों ने मेरे को कमेंट में करें बताए थे। तो फिलहाल के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको कोई भी चीट कोड पता रहे तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे बताने का जरूर ट्राई करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना कोई स्किप किए हुए। तो फटाफट से इसे उतरते हैं, इसे उतरते के साथ चले मैं आपको बताते हैं एक न्यू वे चीट कोड क्या रहने वाला है, आप लोगों ने क्या क्या चीट कोड बताया क्या। लेकिन एक सेकेंड भाई, तो गलत चीट कोड है, 19 में भल्लू फिर भी था यार भाई, 20 में भी था लेकिन मैंने उसे ट्राई नहीं किया था, ठीक है। मतलब अभी इस गेम में अवेलेबल उसको नहीं किया, इसलिए शायद वर्क नहीं करा। लेकिन भाई इसे गन से शूट करने के लिए जैसे ही मैंने कोशिश किया तो मेरे को मार दिया यार। गाइस इसका क्या नाम है आप लोग कमेंट में बताओ, इस मॉन्स्टर का क्या नाम है आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं इस मॉन्स्टर का नाम नहीं जानते कि इसका क्या नाम है क्या नहीं, ठीक है। आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसका नाम भी जानना चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले इसे गन से शूट कर देते, क्योंकि गन से इसका शूट करना मेरे को बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए कि भाई मेरे को वीडियो बनाने में डिस्टर्ब करेगा और बार बार मेरे को मारने के लिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे तो इसको मार दिए, मारते के साथ चलिए मैं आपको बताते हैं मेरा नेक्स्ट चीट कोड नंबर क्या रहने वाला। 18 पे कुछ नहीं यार, ये भी चीट कोड राइट है, लेकिन मैं अभी तक ट्राई नहीं किया। आप लोग चीट कोड मेरे को कमेंट में बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे उसे बताने का, ठीक है। मैंने 17 पे जैसे ही टाइल किया तो मेरे सामने क्रोकोडाइल आ चुका, जो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी भयानक। इसका आँख देखो भाई सफ़ेद कलर का है, लेकिन इसका देखो पैर भाई इतना मजबूत, इतना खतरनाक, इतना भयानक। मेरे को अभी रियल लाइफ में पहली बार मैं क्रोकोडाइल को देख रहा हूँ, वो भी इतना खतरनाक लग रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए इस पर बैठने कोशिश के बाद भाई यहाँ पे तो बैठने का नाम, लेकिन मेरे को कुछ नहीं कर रहा यार। लेकिन इसके सामने कोई भी इंसान जाएगा तो इसे इसको मतलब कोई भी इसके सामने इंसान आएगा तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल मार के खा जाएगा। बट इसे मैं इसे थोड़ा सा इससे मस्ती करने वाला, ठीक है। इसको मार कर देखते हैं कि आप मेरे को मारने पाएगा या नहीं पाएगा। फिलहाल के लिए मैं ही इसको मार दूंगा, इससे मारने से पहले मैं ही इसको मार दूंगा। MRPG एक MRPG तो गया, मतलब एक ही MRPG से मार दिया था, लेकिन इसका मतलब आप में अभी इसने अपना दांत कैसे करके फाड़ा था लगा रहा, तो मेरे को अभी निकल जाएगा, लेकिन भाई मेरे को कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए मैं आपको बताते हैं मेरा नेक्स्ट चीट कोड नंबर क्या रहने वाला। आप लोग जैसे एक सेकेंड भाई, 0 गलत लग गया यार, 0 का मेरा नहीं था, ठीक है। 10 पे मेरे को कॉल करना था, ठीक है। मैंने 10 पे कॉल किया तो मेरे सामने बफेलो आ चुका, जो काफ़ी कहता है कि इसका सींग देखो भाई, इसको मारे क्या है, मैं मतलब इस पर शूट करेंगे तो क्या मेरे पे अटैक करेगा। और ये भाई मेरे पर दोबारा अटैक कर दिया यार, मेरे को फिर से इसने अटैक कर दिया। लेकिन कोई बात ना गाइस, फिलहाल से उठते और इससे बदला मैं इससे लेंगे, मतलब मेरे को मारा था ना इसको मार देंगे। फिलहाल के लिए मर चुका, मरते के साथ यहाँ पे गिर चुका, लेकिन इसका दांत देखो भाई दिख रहा है, ठीक है। इसको उजला उजला टाइप से इसका दांत देख रहा है। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं, कहाँ से निकल रहा है। आप लोग इंडिया से देख रहे हो तो #India लिख देना, अगर अदर कंट्री से देख रहे हो तो उस कंट्री का नाम बता देना, मैं भी जानना चाहता हूँ ना यार मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, कहाँ कहाँ से नहीं। फिलहाल के लिए मेरे सामने आ चुका है, इसका नाम क्या आप लोग कमेंट बताओ, ठीक है। इसका नाम क्या आप लोग कमेंट में बताना, आप लोग इसका नाम बता दो कमेंट में, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ इसका क्या नाम है क्या नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है, नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं खतरनाक सा वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को ट्राई करो। मेरा कॉल दोस्त का आ रहा था, ठीक है। हाँ कालू भाई बोलो क्या हुआ। अरे शंकर भाई मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ, आप मेरे को एयरपोर्ट लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो। भाई क्या तुम सच में एयरपोर्ट आ चुके हो। हाँ भाई मैं सच में एयरपोर्ट आ चुका हूँ। तो कालू 2 मिनट रुको, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। क्या यानी कि 2 मिनट रुको, हम 2 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस कालू तो यहाँ पे आ चुका है, फिलहाल के लिए जाते हैं उसको लाने के लिए,
क्योंकि भाई कालू तो आया तो एयरपोर्ट पे आया तो उसको तो मेरे को जाना ही लाने पड़ेगा, क्योंकि मैंने कालू को ऑलरेडी बोल रखा है कि मेरे पास मतलब मेरे पास अपना हेलीकॉप्टर है, मैं उसी से तुमको लेने के लिए आऊँगा। तो फिलहाल के लिए घर जाते हैं, घर जाने के बाद हेलीकॉप्टर जाएंगे, हेलीकॉप्टर के साथ जाएंगे कालू के लाने के लिए एयरपोर्ट। बट गाइस मेरे को आज कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है एयरपोर्ट पे, मतलब दो दिन से एयरपोर्ट पे कोई आ भी नहीं रहा, मतलब हेलीकॉप्टर भी नहीं चल रहा, ठीक है प्लेन भी नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को ऐसा कुछ होने एहसास हो रहा है। ठीक है फिलहाल के जाते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाएंगे तो क्या वहाँ पे कालू मेरा दोस्त शायद वेट कर रहा होगा, बहुत पहले से वेट कर रहा है, ठीक है उसने बोला था कि मैं वेट करूँगा तो वेट करता। फिलहाल के लगा यहाँ बेदक्स मेरे सामने सिर्फ एक मतलब हेलीकॉप्टर जो ब्लैक कलर का जो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी बढ़िया। फिलहाल के लिए यहाँ पे दो यहाँ पे पंखा लगा है जो चलता है, उसके बाद थोड़ा सा ये घूमता चौपटी, ठीक है फिलहाल के इस पर बैठते हैं। ठीक है इस पर बैठने के साथ मैं जाएंगे कालू को लाने के लिए, क्योंकि भाई उसने बोला था कि मैंने उसे बोला था कि मैं लाने के लिए उसके जाऊँगा। तो फिलहाल के लिए जब तक जा रहा हूँ, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आपको कोई भी चीट कोड पता रहे तो मेरे को कॉमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है और आप लोग जहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो वहाँ का नाम बता देना, मैं जानना चाहता हूँ ना भाई कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ चलते हैं कहाँ का नहीं। फिलहाल के लिए मैं भाई एयरपोर्ट पे तो आ चुका हूँ, यहाँ पे दो दो मेरे सामने यहाँ पे प्लेन तो रुका हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्लेन भी थोड़ा छोटा वाला प्लेन है, क्या इसका नाम क्या है कमेंट बताओ। ठीक है इस प्लेन का क्या नाम है, जो पीला टाइप का उस प्लेन का क्या नाम है लोग मेरे को कमेंट बताओ। ठीक है फिलहाल के लिए मेरे सामने तो यहाँ पे कालू दिख ही रहा है भाई, कालू गया तो गया कहाँ मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, कालू मेरा दोस्त गया तो गया कहाँ भाई, इसको तो यहीं पे होना था ना, बट यहाँ पे नहीं है, कहाँ चला गया यार, कुछ होने वाला क्या मतलब यहाँ पे बहुत लोग तो उतरने वाले थे बट यहाँ पे कोई भी नहीं यार, गया तो गया कहाँ कालू भाई, कालू इतना ढूंढने में मैं मज़ा ही आ गया, लेकिन भाई खोजने में मज़ा ही आ रहा है और माथा भी एकदम से गर्म हो रहा है क्योंकि कालू मिल नहीं रहा है। फिलहाल के लिए कालू मेरे को सामने भाई कालू मिल गया, हाँ कालू भाई कहाँ चला गया था। अरे शंकर भाई क्या बता, यहाँ पे बहुत सारे जोम्बी ने मतलब जोम्बी ने मॉन्स्टर ने हमला कर चुका है, उसका नाम है बैमैन जो काफी खतरनाक काफी भयानक है। क्या हमला किया है, कौन हमला किया है? अरे भाई देखो ना वो भाई कितना खतरनाक बेमन है यार, इतना खतरनाक हो सकता है क्या? हाँ शंकर भाई यही है, फटाक से यहाँ से निकल जाओ नहीं तो वरना हम दोनों को मार कर खा जाएगा। हाँ भाई कालू भाई चल तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये छोड़ेगा नहीं, मार के खा भी सकते। हाँ शंकर भाई फटाफट से चलो। तो गाइस फटाक से हम चलते हैं अपना हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, उसके बाद यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ अजीब सा होने वाला है। ठीक है फिलहाल के दौड़ के भागते हैं स्पीड में क्योंकि भाई यहाँ पे तो कुछ अजीब जींस में लग रहा है, मैं अपना पंखा को भी ऑन कर चुका हूँ, इस पर बैठेंगे और डायरेक्ट यहाँ से भाग जाएंगे। फिलहाल के लिए कालू मेरा दोस्त पीछे बैठ चुका है और हम आगे बैठ चुका है और यहाँ से फिलहाल के लिए भागना पड़ेगा क्योंकि भाई ये जो खतरनाक मतलब यहाँ पे होने वाला है क्योंकि एक मॉन्स्टर ने यहाँ पे हमला कर चुका जो मतलब मार खा भी सकता है, मतलब अपनी जान के जोखिम में लेने के लिए हम उतना टाइम नहीं वहाँ पे रुक सकते थे, इसलिए फटाक से वहाँ से भाग चुके हैं। भागते के साथ मैं जाएंगे घर, घर जाने के बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी चीट कोड पता है तो मेरे को कमेंट में बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर जरूर ट्राई करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।